बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज चूंकि मैंने आपको बताया था कि खान साहब के मुतालिक मुख्तलिफ केसेस जो हैं आज उनकी समाअत होनी है, जिसमें पहला केस उनकी ज़मानत का था, कुछ और मामलात थे, तो जो ज़मानत वाला मामला है उसके अंदर आज जज साहब तशरीफ ले आए हैं। और जो वो जज साहब कहते थे कि जनाब वो दिलावर नहीं हैं बल्कि वो दलेर हैं, तो आज बिल आखिर उनकी अदालत के अंदर समाअत हुई। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि जब समाअत शुरू हुई तो वो बगैर किसी कार्रवाई के उसमें वक्फा करना पड़ गया दिन 1 बजे तक का, बताया ये गया है। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है FIA के, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है फ्री होंगे तो उसके बाद वो यहाँ पे पेश होंगे। तो इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो दरख्वास्त जमानत है उसके ऊपर अब दिन 1 बजे आज समाअत होगी। देखना यह है कि दिन 1 बजे उस समाअत का क्या बनता है, क्या समाअत हो पाती है या नहीं हो पाती। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि वो बच्चों से बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज है जो अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने इस हवाले से हुक्म भी जारी किया था। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल जो अदालती अहकामात है, अदालत के फैसले हैं, अदालत के हुक्म हैं, कहना नहीं चाहिए तो हीन अदालत हो जाती है, लेकिन शायद ही पाकिस्तान के अंदर ये तय करना बाकी है कि पाकिस्तान की करेंसी गुजरते दिन के साथ ज्यादा डी वैल्यू होती जा रही है या फिर पाकिस्तान की अदालतों के फैसले। इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अब अदालत का हुक्म मौजूद था लेकिन इमरान खान की अपने साहबजादों कासिम और सुलेमान के साथ बातचीत नहीं करवाई गई, जो कि उनका हक था। लेकिन जिसके बाद आज इमरान खान ने जो अटक जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो खसूसी अदालत है वहां पे तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि अदालत खुद एक्शन लेती कि उनका हुक्म था और उसके बावजूद गुफ्तगू नहीं कराई गई, बातचीत नहीं करवाई गई। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान के हवाले से तोहीन अदालत हो तो फिर तो बहुत एक्टिव है, लेकिन जहां पे ऐसा कोई मामला आए तो फिर जरा भरपूर कानून के इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाता है। तो जनाब अब खबर यह है कि वो जो तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है उस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल को एक बार फिर मौका दिया है और कहा है कि उनके दोनों साहबजादों से 15 सितंबर तक उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। इसका दोबारा हुक्म दे दिया गया है और इस हवाले से 15 सितंबर तक जेल हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। उनकी मेहरबानी है जनाब, उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली, दोबारा हुक्म भी दे दिया। हो सकता है कि ये रिपोर्ट फर्निश कर दी जाती है अदालत के सामने कि नहीं तो बात तो करवा दी गई है, इमरान खान गलत कह रहे हैं, इनको पता नहीं चला, हमने तो इनकी बात करवा दी है। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस हवाले से ये सारा कुछ किया। दूसरी जाने इमरान खान तो ये मामला है ही है, अंदाजा लगा लीजिए कि जो चौधरी परवेज इलाही का वाला मामला था वहां पे इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और वो भी यही जज साहब थे अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब जो हैं, तो उनकी दरख्वास्त जमानत पे भी बगैर कोई कार्रवाई हुए समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। और यहां पे क्या वजह बनी है जनाब, वो जो गिरफ्तार करने वाले हैं, गिरफ्तार तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन रिकॉर्ड पेश नहीं करते जब अदालत में आता है। ये बेसिकली हीले बहाने होते हैं, कभी खुद गैर हाजिर हो जाना, कभी रिकॉर्ड अवेलेबल ना होना, इधर से उधर से तंग करने वाली जो बातें हैं। तो अब कल तक जो है उनकी ये बताया गया है मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उनको हिदायत जारी की है कि उनका इस हवाले से जो तिब्बी मुआयना है वो करवाया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक लाहौर में भी तोहीन अदालत की कार्रवाई है पुलिस अफसरान के खिलाफ, तो वहां पे आज DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन और दीगर पुलिस अफसरान तो अदालत में पेश हो गए लेकिन IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो अब ये मामला वहां पे वैसे समाअत जो है मुलतवी हो गई, तो सरकारी वकला ने मोहलत की सदा की तो जिसपे जस्टिस मिर्जा वकास ने कहा कि ये ना हो कि इन साहिबान को किसी और तरीके से बुलाना पड़े, ये देख लें। जिसके बाद अदालत ने यहां पे भी एक और मौका देते हुए 18 सितंबर तक इनको कहा है कि एक बार फिर ये पेश हो जाए। मालूम नहीं है कि इमरान खान या इमरान खान से जितने उनके लोग हैं उनके मुतल्लिक ही अदालतें इस कदर
वो तहम्मुल का इतनी वो उसका मुजाहरा कर रही हैं, या ये बाकी लोगों के साथ भी यही मामला है कि उनकी बात सुनी जाती है, उनको कहा जाता है मौका, लेकिन इमरान खान को इंसाफ या उनकी पार्टी के लोगों को इंसाफ फराहम करना हो तो बहुत ढील दिखाई देती है, बहुत आराम से प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, गिरफ्तारियां कर दी हों इमरान खान को लेकर, इमरान खान की टीम को लेकर, तो उस हवाले से तो पूरा सिस्टम ऐसे दौड़ता है जिसकी कोई हमें वो नजर नहीं आती। एक खबर आपको और देना चाहता हूं, वो अली वजीर के मुतालिक है, जो साबिक रुकन असेंबली है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली वजीर की जमानत मंजूर करने का और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चलिए देखते हैं कि अली वजीर जो है उस बेचारे की भी जान छूटती है या नहीं छूटती। वरना तो हम देख रहे हैं अली वजीर ने जनरल बाजवा के दौर में, वो जो भी जनरल बाजवा के मुतालिक गुफ्तगू थी और सारा कुछ था, तो एक खासी कैद काटी है। अब उसके बाद अब दोबारा से है, तो अब मालूम नहीं है कि अब उनकी रिहाई हो पाती है या नहीं हो पाती। आजकल तो तहरीक इंसाफ की सख्ती आई हुई है, अली वजीर इसमें से कुछ उनको मिल पाता या नहीं मिल पाता। आगे चलते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस आने वाले हैं, और आप जानते हैं कि उनके और जस्टिस बंदियाल के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। आज मैंने आपको बताया था कि कमरा अदालत नंबर एक के अंदर अदालती साल की जो तकरीब है, जिसको फुल कोर्ट रेफरेंस कहा जाता है, वो मुनक्किद होनी है, वो इस वक्त मुनक्किद हो रही है। और वहाँ पे सवाल ये था कि जस्टिस काजी फायज ईसा शरीक होते हैं कि नहीं होते, तो मैंने आपको बताया था कि रात को जो मैंने वीडियो की थी, तो वो पेश से बुला दिया कि वो उस तकरीब का हिस्सा बने हैं, उसमें शरीक हुए हैं। और वहां पे सिर्फ जस्टिस जाया अफरीदी जो है वो चूंकि बरतानिया में है, तो वो बैरून मुल्क होने की वजह से आज फुल कोर्ट के अंदर शरीक नहीं हुए। अटर्नी जनरल मौजूद थे, लेकिन वहां पे एक बड़ी हैरान कुन गुफ्तगु है। जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीर या बाकी चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तकरीर की और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए बहुत ही नए ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा एक काबिले तारीफ शख्सियत के मालिक है, इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है। बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए, और आपसी इख्तलाफात की वजह से ही हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन जज साहिबान को ये वो बड़े ही काबिल और फाजिल हैं, तो उनको ये जानना है कि या उनसे गुजारिश इस्तदा ये है कि जितनी आप एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, आपके दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुदारा पाकिस्तान की कौम सिर्फ एक मुतालबा कर रही है, हम आपकी तरफ सिर्फ एक चीज के लिए देख रहे हैं कि जितनी आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उतनी ही पाकिस्तान के आइन की इज्जत भी करवा ली जाए, और ये आप लोग करवा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने यह मनसब दिया है, ये इख्तियार दिया है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कौम, ये मैं नहीं कह रहा, अब तो बिलावल जरदारी जैसे वो जो हुकूमत में थे, वो कहते हैं कि लोगों के चेहरों के ऊपर मायूसी और परेशानी है। कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, चलें जो बंदियाल साहब काम नहीं कर सके तो काजी फायज ईसा वो करके देख लेंगे। तो आपस की अगर ये सुलह है, आपस की अगर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात या जो अच्छे नोट के ऊपर एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ग्रेस के साथ आना चाहिए, ग्रेस के साथ जाना चाहिए। ये चीजें तो इंसानों ने इधर ही रहना होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है वो इस वक्त ये देख रही है कि दस्तूर आइन के साथ क्या किया जा रहा है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्शंस हुए गिलगित वाले कितने दिन हो गए, अब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, 31,000 टोटल वोटर है वहां के, 31 या 33,000 जो है। तो जनाब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो आरओ ऑफिस के सामने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि जनाब उनको ऑफिशियल रिजल्ट नहीं मिला। फिर बात वही है कि दुनिया चांद के ऊपर पहुंच गई है, हम 31,000, 30,000, 35,000, 40,000 वोट 24 घंटों में, 48 घंटों में काउंट करके लोगों को रिजल्ट नहीं दे सकते, और अब फिर आप कहते हैं कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।